हेलो गाइस, वेलकम टू एडी टुडे। आज हम लोग डी फार्मा के बारे में देखने वाले हैं। डी फार्मा इज नथिंग बट डिप्लोमा इन फार्मेसी। तो पहले इसका थोड़ा इंट्रोडक्शन देखते हैं, ये कहाँ कहाँ पर यूज़ होता है, उसके बाद बाकी का चीज़ देखेंगे। जैसे वेयर इज डी फार्मा यूज, डी फार्मा अगर आपने डी फार्मेसी का कोर्स किया तो आपको कहाँ कहाँ पर जॉब लग सकता है, कौन से इंडस्ट्रीज आपके लिए अवेलेबल है वो देखेंगे। तो सबसे पहले आता है सेल्स एंड मार्केटिंग डिपार्टमेंट। जितना भी सेल्स और मार्केटिंग डिपार्टमेंट होता है रिगार्डिंग दी फार्मास्यूटिकल कंपनीज या फिर रिगार्डिंग दी मेडिसिंस, तो डी फार्मेसी के जो स्टूडेंट्स हैं वही करते हैं। उसके बाद रिसर्च एजेंसीज, जितने भी रिसर्च एजेंसीज होता है, जैसे अभी कोविड के टाइम पे बहुत सारा मेडिसिंस के बारे में रिसर्च करने वाले स्टूडेंट्स भी डी फार्मेसी के स्टूडेंट्स ही होते हैं। फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन में भी काम आता है। क्लिनिक्स, जितने भी क्लिनिक्स होते हैं वहाँ पर डी फार्मेसी के स्टूडेंट्स को जॉब्स अवेलेबल होता है। गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स, बहुत सारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल यहाँ तक कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स भी हैं जहाँ पर डी फार्मेसी के स्टूडेंट्स को जॉब्स मिलता है। एज वेल एज फार्मास्यूटिकल फर्म्स, जितने भी बड़े फार्मास्यूटिकल फर्म्स है, जितने भी दवाई बनाने वाली कंपनीज है, वहाँ पर डिप्लोमा इन फार्मेसी स्टूडेंट्स को जॉब्स मिलता है। एंड लास्ट आके कम्युनिटी एंड हेल्थ केयर सेंटर्स जो होता है वहाँ पर भी डी फार्मेसी स्टूडेंट्स को जॉब्स मिलता है। तो अब इसका पहला एडमिशन क्राइटेरिया देखते हैं हम लोग। एडमिशन क्राइटेरिया में आपके पास 10th होना चाहिए, सबसे बेसिक आपका SSC क्लियर होना चाहिए। उसके बाद आपका 12th होना चाहिए। तो एक बार 12th हो गया, 12th में आपका जो परसेंटेज है वो 50% होना चाहिए। तो याद रखो 10th के बाद 12th में आपका जो ओवरऑल परसेंटेज है वो 50% से ज़्यादा होना चाहिए एडमिशन के लिए। और आपका जो बैकग्राउंड है 12th में वो साइंस के फील्ड से होना चाहिए, और साइंस में भी आपका जो सब्जेक्ट है वो होना चाहिए फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, मतलब PCB का कॉम्बिनेशन वाला सब्जेक्ट होना चाहिए आपके पास, फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। कुछ इंस्टीट्यूट है जो M पे भी दे देता है, मतलब मैथ्स में भी दे देता है डी फार्मेसी, डिप्लोमा इन फार्मेसी का एडमिशन मिल जाता है। तो वो आपको नियर बाय कॉलेज और नियर बाय यूनिवर्सिटी में चेक करना है। नेक्स्ट इसका एडमिशंस देखते हैं। एडमिशंस में मेरिट बेस्ड एडमिशंस होता है, मतलब आपका 12th में जो साइंस में आपका जो मार्क्स है 50% से ज़्यादा है, तो सबसे जितना सब ज़्यादा मार्क्स उसको सबसे पहला एडमिशन, उस हिसाब से एडमिशंस होता है। मैं एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू भी एडमिशंस होता है, जैसा JEEE का फार्मेसी का एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है, तो वो एग्ज़ाम देना पड़ता है। उस एग्ज़ाम में जो सबसे ज़्यादा मार्क्स लेके आता है उसको एडमिशन दिया जाता है, मतलब 12th में 50% से ज़्यादा मार्क्स और प्लस एंट्रेंस एग्ज़ाम में जो सबसे ज़्यादा टॉप मार्क्स स्कोर करता है उनको एडमिशन मिलता है। तो ये आपको आपके लोकल एरिया में या फिर लोकल जहाँ पर आप रहते हो वहाँ पर आपको चेक करना है कि कैसा एडमिशन मिलता है। तो कुछ स्टेट्स में मेरिट बेस में मिलता है और कुछ स्टेट्स में एंट्रेंस एग्ज़ाम के थ्रू होता है। अब इसका ड्यूरेशन देखते हैं। ड्यूरेशन इसका 2 years का कोर्स है, डिप्लोमा का जो कोर्स है वो 2 years का है। उसके बाद फिर स्टूडेंट्स यूजुअली बी फार्मेसी भी करते हैं। ओके, सैलरी रेंज देखते हैं हम लोग। सैलरी रेंज में ये स्टार्टिंग में आपको जॉब लगोगे तो आपको 10,000 टू 15,000 रेंज की सैलरी में आपको जॉब लग ही जाता है। और उसके अलावा अगर आपका जैसा जैसा एक्सपीरियंस बढ़ता है आप ये फील्ड में इन्फिनिटी कमा सकते हो, मतलब आपको कोई रोक नहीं है, आप जितना भी चाहिए उतना कमा सकते हो। थैंक यू।